अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में खुश होंगे हम भी बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन सात बजे का और जो है हसन इससे पहले रोए मैंने कहा इसको फिटर एक बना के दे दूँ और मैंने इसमें नीम गरम दूध में इसको शहद मिला के दिया आप भी अपने बच्चों को ऐसे दिया करें लाजमी क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और ठंडा दूध तो बिल्कुल आपने नहीं देना हल्का सा नीम गरम इसको कर लिया करें और आज मैं अपने सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों के साथ आप किस तरह अपने पूरे दिन को जो है मैनेज कर सकते हैं और अभी मैं किचन में आ गई हूं और किचन में आई हूं तो आगे से लाइट गई हुई है तो अब मैंने सोचा सिलेंडर ऑन करके वैसे ही इसको सॉस पैन में पानी को नीम गर्म कर लेती हूँ और जिन लोगों के घरों में सिलेंडर है आप उनको इस्तेमाल करने के बाद ज़रूर इस तरह पीछे से बंद कर दिया करें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार किया करें और अभी सॉस पैन में जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैंने लेमन कप में निचोड़ दिया और जो ये देखें एक चम्मच छोटा जो टी स्पून होता है वो वाला मैंने इसके अंदर ऐड किया और ये देखें आप पानी ज़्यादा गर्म हो गया और इसको थोड़ा सा ठंडा करके अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और आज से मैंने सोचा है कि मैंने अपना जो आ, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैंने अपने दिन का आगाज़ जो है नीम गर्म पानी लेमन और हनी के साथ किया है इससे जो है हंगर सप्रेस्ड होगा मतलब कि आपको भूख कम लगेगी आप खाएंगे कम तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा और उसके बाद जो है मैंने अपना अपने लिए नाश्ता बनाया तकरीबन ना आधे घंटे बाद नाश्ते में लूँगी एक रोटी और जहाँ मैं एक चम्मच घी लगाती थी अब मैंने उसको हाफ़ टेबल स्पून पे आज कर दिया है अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इतना ही कर सकती हूँ एकदम से आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते और अगर आप ये कहें कि एकदम पराठे से आप बिल्कुल सैलड पे आ जाएंगे तो ये नामुमकिन सी बात है तो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा मतलब कम की तरफ लाऊंगी और फिर जो है क्रैश डाइट की तरफ आऊँगी ये मैंने एक अंडा लिया है इसके अंदर नमक मिर्च और जो गर्म मसाला पाउडर इनको मैं अच्छे से मिक्स करके और जो है ना मेरे पास और कुछ था नहीं आमलेट बनाने के लिए इस वक्त वेजिटेबल्स वगैरह तो इसलिए जो अवेलेबल था वही मैंने बना लिया है तो अभी मैंने ये देखे एग बना रही हूँ सिंपल सा एग मैंने आज बनाया बिल्कुल आप बिलीव करें कि आज इतना सिंपल से एग बनाने के बाद मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आई कि वहाँ पे मैंने अपने हिसाब से वेजिटेबल्स कटिंग करके हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया हुआ था अपने घर को आप अपने हिसाब से रखते हैं माँ बाप का घर भी अपना ही होता है लेकिन अब शादी के बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो जो है ना आपको लगता है आपको मेहमानों वाली फीलिंग आती तो अभी खैर इतने भी मेहमान नहीं अभी ये नाश्ता करने के बाद ये बर्तन भी धोने हैं आप कहीं पे भी रहते हैं तो आपको काम तो अपना करना पड़ता है ख़ुद से और फिर ये जनाब नाश्ता करने के बाद बर्तन धोने के बाद जो है मैंने यहाँ पे कर लिया अपने और हसन के कपड़े प्रेस ये मैं अभी हसन की शर्ट प्रेस कर रही हूँ और ये हसन की पेंट प्रेस कर रही हूँ मौसम बदल रहा है तो अभी मैंने सोचा उसको निकर शर्ट की जगह जो है ना ये पैंट पहना पे दूँ और जल्दी से मैंने अपने कपड़े प्रेस करने इसके प्रेस करने के बाद अब अपने करूँगी और उसके बाद फिर जनाब कोई और काम देखेंगे और बस ऐसी ही लाइफ चल रही है और ये चलती जाएगी वक्त का काम है गुजरना और गुज़र जाएगा जी तो अभी कपड़े प्रेस करने के बाद बारी आती किचन की यहाँ पे मामा काट रही हैं धनिया और मैं जो है साथ में हसन के लिए दूध बॉयल कर रही हूँ दूध सुबह का आया हुआ था और अभी इसको बॉयल कर रही हूँ और ये दोपहर का टाइम है और तकरीबन दोपहर और शाम के का टाइम और ये रात के लिए खाना बन रहा है तो ये थोड़ा सा मटन पड़ा हुआ था मटन और इसके अंदर सोचा आलू डाल के इसको बना लेते हैं और अब सब डालना के लिए यूज करती हूं उसके वा भी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ मैंने आपको सब दिखाया और ये सब करने के बाद फाइनली बारी आती है रात की और रात को अगेन हसन को मैं ये बेरी का शहद है खालिद शहद है इस्लामिक शहद वालों को बहुत ज़बरदस्त है आप भी इसको यूज़ कीजिएगा रिकमेंडेड है मेरी तरफ से इसको मैं फीडर में डाल के अगेन सुबह भी मैंने यही किया था अभी भी मैं यही कर रही रही खासकर जब आप बच्चों को नहलाते हैं तो अब तो आपको बच्चों को लाजमी शहद थोड़ा सा चटा देना चाहिए या आप खिला दें जैसे भी आपको अच्छा लगता है और ख़ुद मैं ये साफ़ी ही पीऊँगी दूध के साथ और जहाँ क्योंकि मुझे आजकल थोड़ी सी ख़ारिश हो रही है तो मतलब मुझे ख़ारिश के लिए और वैसे भी सर्दियों में मुझे साफ़ी मैं दो बोतलें तो ईज़िली मैं हर साल लाजमी पी लेती हूँ इससे यह कि आपके मसले मसाइल जो है ना सॉल्व रहते हैं हर तरह के और अभी ये जो है हसन अपने सॉफ्ट स्टफ़ टॉय के साथ खेल रहा था और मैंने इसको ला के दे दिया है ये फीडर और अभी जो है ना इसको मैंने यहाँ पे लिटा दिया और आज ट्रैजडी ये हुई जनाब के जो है ना पैम्पर लाना भूल गए बाहर गए भी थे और पेम्पर नहीं लाए तो फिर अभी ये जो है ना पुराना टोटका ही आजमाया नीचे शीट भी चाहिए और ऊपर जो है ना इसके ये बेड शीट है और ये मैंने जैसे जैसे ये रात को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको फोल्ड करती जाऊँगी और शुक्र अल्लाह अगर नहीं जरूरत पड़ी आज अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली और हसन ने रात भर सू नहीं किया और जो ना मतलब सब कुछ बच गया सन को भी सर्दी नहीं लगी सब कुछ ठीक रहा और अभी ये जो है ना इसको फीडर देने के बाद मैं जाऊँगी दोबारा से किचन में और किचन में जाऊँगी अगेन स्टैंड से लूंगी एक मग और मग लेने के बाद जनाऊँगी जाऊँगी जनाब शेल्फ पे और अब जो है फ्रिज से निकालूंगी दूध और दूध काफ़ी गर्म है इसको जो है मग में डालने के बाद मैं रख दूँगी ओवन में थोड़ी देर के लिए इसको नीम गर्म करूँगी क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए अब ठंडा दूध ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है और ये अभी इसके अंदर डाल दी है इसके अंदर नहीं सॉरी मैंने वैसे ही एक चम्मच साफ़ी का पी लिया था इतना ज़्यादा पीने से बेहतर है आप साफ़ी का एक कड़वा घूट पी लें वो ज़्यादा बेहतर है ये देखें ज़रा इसको मैं उधर बेड पे लिटा के इधर फीडर दे के और जनाब हसन साहब फिर मेरे पीछे पीछे आ गए और अपना कारनामा जो है ना करके तो मुझे दिखा रहे हैं कि मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ और लीजिए मैंने ओवन खोल के इसके अंदर दूध इसके अंदर गर्म कर दूँगी तीस से चालीस सेकेंड मैंने इसको लगाया और मैंने इसको जल्दी से खोल के उसके बाद डाल लिया गिलास में सॉरी मग में और उसके बाद जो है मैं इसको पी लूँगी साफ़ी के साथ और जो है फिर अगेन स्टैंड से लूँगी एक कप और इसके अंदर डालूँगी पानी और उसके अंदर भिगो दूँगी बादाम और ये कुछ हसन के लिए कुछ मेरे लिए और ये मैंने देखें ज़रा आप सिंक में देखें अभी रात हो गई है और फिर भी बर्तन सुबह से शाम तक बर्तनों में बरकत ही बहुत है ये ख़त्म नहीं होते लेकिन रात को बर्तन धो के सोना चाहिए और अभी ये बादाम को मैंने पानी डाल के ढक दिया और ऊपर जो है ना एक साइड पर दराज में इसको रखूँगी ताकि ये गिर ना जाए और लीजिए दराज़ कर दिया मैंने बन जी तो ये थी मेरी आज की रूटीन और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ